लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम और पॉइंट पढ़ते हैं क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में, पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल। स्पेशल पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल, सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे आसान फॉर्मूला इस पॉइंट का होता है, दैट इज नोन एज सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या होती है, कौन बता रहा है? So the point which is equidistant from all the three vertices of the triangle. The point which is equidistant from vertex. All the three vertex. The point which is equidistant from all the three vertex. ये बताया तन्मय ने? Yes sir. अच्छा, क्या बाकी लोग agree करते हैं इस formula math इससे definition से कि एक पॉइंट जिसकी डिस्टेंस तीनों वर्टाइसेस से सेम होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन बाकी लोगों को भी ठीक लग रही है कि या कोई और डेफिनेशन? नहीं सर, सर गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। फिर क्या होना चाहिए? सर वो होता है, क्या बोलते हैं, जहां पे तीनों मीडियन मीट करते हैं, मीडियन से इंटरसेक्ट डायग्राम बनाया, मीडियन से इंटरसेक्ट। तो बाकी लोग काफी देर में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, गलत का तो तुरंत बताते हैं कि अरे ये तो गलत बता रहा है, क्या है कॉन्फिडेंस नहीं है लग रहा है बाकी लोगों में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। या फिर बाकी लोगों को पता था, वेट कर रहे थे कि सर को आता है कि नहीं आता है, देख लें। हाँ सर भी जो तन्मय बोल रहा है वही बोलते रहेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियन किसको कहते हैं सर? जो मिड पॉइंट से एक वर्टेक्स, मतलब एक वर्टेक्स लाइन खींची जाए जो दूसरे साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। ए को अगर हम बीसी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें, ये बीसी का मिड पॉइंट है, अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, बीडी बराबर डीसी है, तो हम एडी को क्या कहेंगे, ये मीडियन, डी मिड पॉइंट। ऐसे ही बी को हम एसी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें, ये मिड पॉइंट होना चाहिए, ए और ईसी इक्वल होने चाहिए। और ऐसे ही सी को इससे ज्वाइन करें, ए बी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें, तो ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी सभी ट्रायंगल में। ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं होगा कि जिसमें मीडियन अलग अलग, ये दोनों अलग पॉइंट पे, वो अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, सभी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड। इसको जनरली हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, जो सेंट्रोइड होता है इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, किसी भी मीडियन को, सभी मीडियन को ये डिवाइड करेगा। मतलब आप ए जी इज टू जी डी लिखो वो भी 2:1 है, बी जी इज टू जी ई लिखो वो भी 2:1 है, वर्टेक्स की तरफ से 2 रेशियो एंड साइड की तरफ से रेशियो 1 होगा। ऐसे ही आप सी जी इज टू जी एफ लिखो वो भी 2:1 है। तो ठीक है, इससे हम लोग सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट लिखेंगे इसको आर्टिकल में। अच्छा, उसको लिखने के लिए इन पॉइंट के वर्टाइसेस मैं लिख लेता हूँ, x1 y1 है, ये x2 y2, और ये पॉइंट है x3 y3। इफ वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, लिख लें, if vertices of a triangle,
ए बी सी आर ए एक्स वन कामा वाई वन बी एक्स टू कामा वाई टू एंड सी एक्स थ्री कामा वाई थ्री देन what will be coordinates of centroid then coordinates of its centroid will be coordinates of its centroid will be ye likh dete hain x x coordinate y coordinate dono likhe hain chalo fir thoda space le lete hain x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3 क्या है एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं तो उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3 सबसे आसान फॉर्मूला इसी का है सेंट्रोइड का ठीक है अब देखिए रूप 20 का देख सकते हैं हम लोग कैसे आया ये रूप के लिए पहले डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें डी क्या है बीसी का मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होंगे एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला मालूम है आपको वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू ऐसे लिख लिया ये डी पॉइंट आ गया x2 प्लस x3 बाई टू और y2 प्लस y3 बाई टू अब आपको सेंट्रोइड का लिखना है देखिए यहां लिखते हैं सेंट्रोइड के लिए सेंट्रोइड भी सेक्शन फॉर्मूला से 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसकी हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं ये जो सेंट्रोइड है ए डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 तो सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड अगर m is to n में डिवाइड करता है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है mx2 तो यहां 1 किससे मल्टीप्लाई होगा x1 से और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा x2 plus x3 by 2 से तो x1 into 1 प्लस टू इंटू एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन टू टू इंटू एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन टू अपॉन वन प्लस टू एम प्लस एन ये हो रहा है इसी तरह से वाई क्वाड्रेंट लिखेंगे वन इंटू वाई वन प्लस टू इंटू वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन टू अपॉन वन प्लस टू कितना आ गया ये टू टू कैंसिल ये टू टू कैंसिल ये बन गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपान थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपान थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपान थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपान थ्री यही था जिसको हमने प्रूफ किया सेंट्रोइड नोट करिए किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए अगला स्पेशल पॉइंट पढ़ने से पहले सेंट्रोइड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज मतलब कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं सेंट्रोइड से रिलेटेड
उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वन। तो आप बताइए इसको क्या क्या प्रॉपर्टीज मालूम है सेंट्रोइड की। Always inside. Always inside the triangle. ठीक है? ये एक property है centroid की कि it always lies inside the triangle. इसे पूरा मैं erase कर दूँ, वापस starting से लिखें. Points देखिए. पहला point. सही है और बढ़िया है, ये याद रख सकते हैं. Centroid जो होता है triangle का, centroid is always inside the triangle. ठीक है, और बताएं वापस बनाते हैं centroid. A B C, ये है G, centroid. ये D था, E F, second. अगर आपको D E F के coordinate दे दूं मैं, D E F के coordinate दे दें, मतलब mid points के coordinates दे दें, और कहें कि ये जो triangle D E F है, उसका centroid बताओ. क्या कहा? ट्राइंगल डी ई एफ जो मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका सेंट्रॉइड बताओ, और ओरिजिनल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा बताइए. उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा. No, दोनों difference. सेम होंगे, दोनों सेम होंगे. ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, centroid of triangle ABC will be same as centroid formed by triangle joining mid points of sides, joining mid points of sides. साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करने से जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल डी ई एफ का सेंट्रॉइड निकालो या एबीसी का निकालो, सेम है. देखते हैं कैसे. मान लो अगर ये पॉइंट एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू, और ये हुआ एक्स थ्री वाई, तो इसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमें मालूम है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपान थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपान थ्री. मिड पॉइंट बताइए सबके, डी क्या होगा? एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू, वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू. E क्या होगा? एक्स थ्री प्लस एक्स वन बाई टू, वाई थ्री प्लस वाई वन बाई टू. एफ बताइए, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू. होगा ऐसा. अब इस ट्राइंगल डी ई एफ के अगर हमें तीनों वर्टेक्स मालूम है और अब हम इसका सेंट्रॉइड निकालना चाहते हैं, देखिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ क्या हुआ? एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स वन बाई टू प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू अपॉन थ्री. यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट इन तीनों के क्या हो गए? पहले का एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे का और तीसरे का, ये तीनों का सम, तीनों वर्टाइसेस के एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन थ्री. ऐसे ही तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम अपान थ्री लिखोगे, y कोऑर्डिनेट के लिए y2 प्लस y3 बाय 2 प्लस y3 प्लस y1 बाय 2 प्लस y1 प्लस y2 बाय 2 अपान 3. बोलिए कहेंगे. अब देखिए ये 2 एलसीएम हो गया, 2 बाय 3 6, यहां से x1 प्लस x1 2x1 2x2 2x3 अपान 6 क्या बन गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 आ गया. ऐसे ये भी आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3, जो किसके कोऑर्डिनेट है?
ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हैं, ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हैं। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है एरिया के, तो वो मैं आपको यहाँ लिखता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, अगर आपसे कहा जाए मिड पॉइंट को सभी को ज्वाइन कर दें तो उसका जो एरिया आएगा वो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का कितने टाइम्स होगा? बता सकते हो क्या कह रहे हैं इसमें? 2/3। ये जो ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया है ये बराबर होगा 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का 1/4 होगा। एक्चुअली यहाँ 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखें, और ये चारों के एरिया इक्वल हों, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC is equal to area of triangle DEC is equal to area of triangle BDF। ये चारों के ट्राइंगल के एरिया इक्वल होंगे और सबका सम, मान लीजिए अगर ये x है तो x प्लस x प्लस x प्लस x, 4x ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है तो 4x/4 और सभी एरिया 1/4 हो जाएंगे। और जानना चाहते हो कैसे होंगे, बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी बना सकते हो, जो 9th में पढ़ा है आपने, मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो अपोजिट साइड के पैरेलल होती है, होगी ये पैरेलल और उसकी हाफ होती है। तो अगर ये साइड बीसी की हाफ है और ये मिड पॉइंट है तो ये ए जो है एसी की हाफ है, ये AF जो है AC की AB की हाफ है, मतलब सभी साइड्स हाफ 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 हो गई। अगर पहले साइड्स ABC थी तो अब साइड्स क्या हैं? A/2, B/2, C/2। हीरोंस फार्मूला पढ़ा था आपने 9th में, याद है हीरोंस फार्मूला, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब उसमें सारी साइड्स अगर हाफ कर देंगे तो हाफ 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 1/16 बाहर आएगा, 1/4 हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। बोलो बेटा। सर इसमें वाली प्रॉपर्टी भी तो यूज होगी, मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू इक्वल एरिया। हां वो भी कर सकते हैं, मीडियन जो है दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, दो इक्वल एरिया में, उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो तो दो ट्रायंगल बनेंगे ना, हम तो यहां 4 ट्रायंगल्स बना रहे हैं। सर फिर उसको अंदर ही और डिवाइड ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जब कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो उससे कोऑर्डिनेट से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं उससे भी आ जाएगा। ये तो मैं आपको ज्योमेट्री से ऐसे बता रहा था, नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सर सर वो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एएफई है, एएफसी एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? पहले वाला ब्लू में पहला एएफसी एएफई होगा। एएफसी कहां है? एएफसी नहीं, एएफई होगा। AFE ऊपर वाला एरिया ऑफ DE, DEC, DEC ठीक है, BDF, BDF सब बाकी सब सही लिखे हैं, ठीक है, ये होगा। अ सेंट्रोइड एक ऐसा भी पॉइंट होता है जिसको अगर तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दें तो तीन ट्राइंगल बनेंगे और उन तीनों का एरिया इक्वल होता है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर मैं वो पॉइंट दिखाता हूं आपको।
ठीक देखें फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर, इफ पी इज अ पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल एबीसी सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीबी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी। क्या कहा गया? इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है, एबीसी के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, मान ली यहां कोई पॉइंट पी है जिसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूं तीनों वर्ड। अब यहां पे ये तीन ट्रायंगल बन गए, ये तीनों एरिया अगर आपस में इक्वल हैं तो ये पॉइंट पी क्या होगा? देन पी विल बी सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ही विल बी सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेई एडवांस में आईआईटी जेई का जो अब एग्जाम का नाम है जेई एडवांस, उसके लिए मैं ये क्वेश्चन आ चुका है, वर्टाइसेस दिए हुए थे, यही सेम दिया हुआ था, लिखा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो पॉइंट पी क्या है? डायरेक्ट जिसको पॉइंट मालूम है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड फॉर्मूला लगाया खत्म हो गया, जिन्हें नहीं मालूम है वो फिर उसको एक्स वाई अज्यूम कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन जो ठीक है एक मिनट से भी कम में हो जाने वाला क्वेश्चन है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक के भी चांसेस होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ऐसे भी देख सकते हैं, जब मैं एक ट्रायंगल बना रहा था यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर मीडियन लिए थे मैंने इस तरीके से ए डी बी सी, जब इसको ज्वाइन किया एफी, एफी जो है ये बी सी के पैरेलल होगा, होगा क्या? यस सर। और डी ई किसके पैरेलल होगा? बी ए के पैरेलल होगा, होगा? Yes, तो हम यहां से ये भी कर सकते हैं, ये बी डी ये क्या है? पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है क्या? यस सर। किसी के क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टीज को भी यूज करते हैं, तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं बी डी ई एफ इसे पैरेललोग्राम, जैसे पैरेललोग्राम के अगर तीन वर्टेक्स दिए हो तो फोर्थ वर्टेक्स की जरूरत है, तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या आपको इन तीनों के वर्टेक्स दिए हैं, आपसे कहा गया वर्टाइसेस कैलकुलेट किया, तो ये वर्टेक्स मिल जाएगा। फिर इसी तरह से ये भी पैरेललोग्राम, अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे, ये भी पैरेललोग्राम है, कौन सा? ए एफ डी ई, ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम है क्या? इसी तरह से ये भी पैरेललोग्राम है, कौन सा? D C E F, that is also a parallelogram. तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है मिड पॉइंट के वर्टाइस कोऑर्डिनेट दिया है, तो आप उससे पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी से भी वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो, समझ रहे हैं? चलो ये तो सेंट्रॉइड से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको बताया। सेंट्रॉइड बताया ना ये, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पेशल पॉइंट इन सेंटर। सर इसके क्वेश्चंस करा दीजिए कुछ, पहले क्वेश्चंस करा दें? चलो पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस बहुत आसान है,
तो सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हर बच्चा कर ले। फाइंड दिस सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टाइसेस आर, फाइंड द ट्राइंगल सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टाइसेस आर ए माइनस थ्री जीरो, बी फाइव माइनस टू एंड सी एंड सी माइनस एट कमा फाइव। ये तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं, तो अब आपको सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है। तो ये सभी बच्चों का हो जाना चाहिए, जिसका ना हो वो हैंड रेज करे, जिसका हो जाए ये तो सभी का हो जाना चाहिए, किसका नहीं हुआ वो हैंड रेज करे जल्दी से। एक मिनट टाइम ले लीजिए, सॉल्व करिए जल्दी से, उसके बाद भी नहीं हो तो बताइए। जिसका नहीं हो वो बताए कि क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही। तो अभी तक किसी ने हैंड रेज नहीं किया, मतलब सभी का हो गया। चलिए जिनका जिनका हो गया वो हैंड रेज करें। देखें कुछ लोग के हाथों में दर्द होता रहता है, जबकि यहाँ पे बस टिक करना है, वो हैंड रेज भी नहीं करना है, फिर भी वे नहीं कर पाते। अभी दो स्टूडेंट नहीं किए हैं हैंड रेज, क्या दिक्कत है उनको, चेष्टा क्या हुआ? लव शर्मा, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर। आ रही तो बताइए क्या हुआ, क्या दिक्कत है? जिनसे बोल रहा हूँ लव, चेष्टा, उन्हें भी तो आवाज आ रही होगी, नहीं तो फिर पढ़ने का क्या फायदा है? लो माइक काम नहीं कर रहा। चेष्टा क्या हुआ आपका? चैट पे उसने लिखा माइक इज नॉट वर्किंग, सिद्धांत ने लव की तरफ से। लव चैट में तो लिख ही सकते हैं, मैं पूछूंगा और अगर ऐसे आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा तो फिर क्लास में मैं नहीं रख पाऊंगा। आप रीजन दें कि कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है तो ठीक है। हाँ माइक काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हुआ? क्वेश्चन तो आसान है, हैंड रेस तो हो रहा होगा। ये देखिए, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ये पॉइंट है ना, तीन पॉइंट है x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो सेंट्रोइड का क्या कोऑर्डिनेट होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3, ये अप्लाई करना है। तो माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस एट, माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस एट अपान थ्री, ये आ रहा बेटा। तो और दूसरा जीरो माइनस टू प्लस थ्री अपान प्लस फाइव अपान थ्री,
माइनस सिक्स बाई थ्री माइनस टू कॉमा वन क्या है? ये है सेंट्रोइड, देख लीजिए यही आ रहा था आप लोगों का। यस सर। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, टू वर्टाइसेस आप ट्राइंगल एबीसी आर गिवन बाय ए 6 4 एंड बी माइनस टू कॉमा टू एंड इट्स सेंट्रोइड इज जी 3 4 फाइंड वर्टेक्स सी, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी। तो दो वर्टेसिस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट दिया है, अब आपसे किसका कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है? वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट सिद्धांत का हो गया है और बाकी स्टूडेंट बहुत आसान है, ये बन जाना चाहिए सभी का, बनाइए और जल्दी से एंटर करें और कोऑर्डिनेट्स आ जाने चाहिए आसानी से। थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, थर्ड पॉइंट वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट क्या लें? एक्स वन वाई वन ले लो या एक्स वाई ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स थ्री वाई थ्री ले लो, और ए क्या है 6 4, बी क्या है माइनस टू कॉमा टू, तो सेंट्रॉयड क्या होगा? सेंट्रॉयड हुआ एक्स प्लस सिक्स माइनस टू बाई थ्री, वाई प्लस फोर माइनस प्लस टू बाई थ्री, ये बराबर है 3 4। सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया है 3 4। अब कंपेयर कीजिए x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से, तो x प्लस फोर बाई थ्री बराबर थ्री, तो x बराबर कितना आ गया 9 4 5, ऐसे ही y प्लस सिक्स बाई थ्री बराबर फोर, तो y बराबर कितना आया 6, देख लीजिए। तो पॉइंट c के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास 5 6 आ गए। देखिए किसी को कोई डाउट है इसे समझने में, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, क्लियर सबको? इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे और पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।